हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कितने तरह के प्लान होते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपकी मेडिकल इलनेस के लिए अगेंस्ट द प्रीमियम पेड, जो आपने एक अमाउंट पे किया होता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो आपको एक सिक्योरिटी दे देती है एक अमाउंट की कि इतने अमाउंट तक का आपका अगर हेल्थ पे खर्च होता है तो उसका खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बात करते हैं दोस्तों कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो पहला तो जो हमने बात की कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देता है। दूसरा, आपका एक पीस ऑफ माइंड होता है उस समय के लिए, आपको एक बैकअप दे देता है अगर कभी इमरजेंसी की हालत में ऐसा कोई हादसा हो जाए कि आपको बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़े तो उस समय एक तरह से आपके पास बैकअप होता है टू मैनेज दोज एक्सपेंसेस। और ये आपके जो रिस्क है या जो अनसर्टेनिटीज हैं लाइफ में आगे, उनके लिए भी आपको एक सपोर्ट के तौर पे मदद करता है। बात करते हैं कि ये होता कितने प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस जो है दो टाइप का होता है, जिसमें एक रिटेल प्लान होते हैं, दूसरे कॉरपोरेट प्लान होते हैं। रिटेल प्लान को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो इंडिविजुअल प्लान होता है, यानी कि मैंने सिर्फ अपने लिए एक पॉलिसी ले ली या अपनी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज ले ली, ये एक रिटेल इंडिविजुअल प्लान होता है। उसके अलावा दूसरा एक प्लान होता है दोस्तों, फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान में क्या होता है कि एक ही इंश्योरेंस कंपनी में आपके सारे फैमिली मेंबर्स कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सम इंश्योर्ड एक पॉलिसी का 10 लाख रुपया है, तो वो 10 लाख रुपया किसी एक फैमिली मेंबर पे भी एक बार में खर्च किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है फैमिली में तो उस समय पे। या मान लीजिए किसी एक फैमिली मेंबर पे 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो बाकी जो 8 लाख रुपया बचा वो बाकी फैमिली मेंबर्स पे यूज़ हो सकता है इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी, तो इसको हम फैमिली फ्लोटर प्लान कहते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो होता है कॉरपोरेट प्लान्स। कॉरपोरेट प्लान्स होते हैं जो आपकी कंपनी, यानी कि आपका एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, वो जब आपको ख़रीद के देता है पॉलिसी, उसको हम कॉर्पोरेट प्लान कहते हैं। और कॉर्पोरेट प्लान्स में और रिटेल प्लान्स में जो सबसे बड़ा अंतर है कि रिटेल प्लान में बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां एक समय तक कवर नहीं होती हैं, वेटिंग पीरियड्स होते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ में, या जो एम्प्लॉयर ने आपके पॉलिसी दी है, डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम एंड टाइप ऑफ पॉलिसी, उसमें आपकी मैक्सिमम चीज़ें डे वन से कवर हो जाती हैं। ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ प्लान्स क्या क्या होते हैं, इन पॉलिसीज़ में इंक्लूजन क्या क्या होता है। तो सबसे मेन जो है वो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होता है। सारी पॉलिसीज़ का पहला चैप्टर की चैप्टर है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का फ़ायदा देती है। आप अस्पताल जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, भर्ती होते हैं और उसका खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। कुछ छोटे मोटे नॉन पेबल आइटम्स जो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती हैं 5-10 हज़ार रुपये तक का, उनके अलावा वो आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। दूसरा, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ऊपर, जो हम डिफाइन कर रहे थे, तो ये भी एक पॉलिसी का इंक्लूजन या प्लान होता है। थर्ड होता है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो जनरली जो इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हैं, वो सारी इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देने लगी हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। बट ये बहुत ज़रूरी है ख़ासतौर से यंग कपल्स के लिए, जो या तो शादी प्लान कर रहे हैं या जिनकी अभी अभी शादी हुई है। हालांकि कॉरपोरेट पॉलिसीज़ में ये कवरेज मिलता है, बट यू नेवर नो कि आपका कॉरपोरेट कब प्लान चेंज कर दे या आप कब कॉरपोरेट चेंज कर दें। नेक्स्ट होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवरेज प्लान। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को, मान लो आपके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, उनको पहले से कोई बीमारियाँ हैं, किसी को डायबिटीज़ है, कोई हार्ट का पेशेंट है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हो सकती हैं। तो आजकल ऐसी पॉलिसीज़ भी आती हैं कि आप एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस प्लान को ऐड कर सकते हैं अपने ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान में, सो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज भी उसमें कवर हो जाती हैं। अदरवाइज़ आपको एक वेट करना पड़ता है एक समय तक, उसके बाद ही ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारियाँ कवर होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्लान, सीनियर सिटीजन प्लान। तो इसमें आप सीनियर सिटीजन्स को ऐड कर सकते हैं। अगेन, जैसे जैसे आप प्लान ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाता है। उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस प्लान ऐड होता है, तो उसमें कुछ क्रिटिकल इलनेसेस पे
एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी एग्री कर लेती है कि अगर इस तरह की कोई क्रिटिकल इलनेस सामने आती है तो आपको ये लमसम अमाउंट उस क्रिटिकल इलनेस के लिए मिल जाएगा, अगर आपकी पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस प्लान ऐड हुआ है तो। आजकल कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ नए प्रोएक्टिव प्लान्स भी शुरू कर दिए हैं। प्रोएक्टिव प्लान्स का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी प्रमोट करती है कि आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं। तो आप जब एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदती हैं तो वो कहती है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अपना एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराना पड़ेगा, उसमें दोनों को फ़ायदा है। नेक्स्ट जो प्लान है वो अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं, वो डिजीज़ स्पेसिफिक प्लान होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना के दिनों में कोरोना स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गई थी, तो डेंगू के लिए, कोरोना के लिए इस तरह के कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी प्लान लेके आती हैं। वो एक प्लान भी हो सकता है और आप अपनी पॉलिसी में ऐड भी कर सकते हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए आपको एक एडिशनल सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लान, कौन सी पॉलिसी हम खरीदें। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप जब भी इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए जाते हैं तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी प्रीफर करें, क्योंकि उसमें आपकी सारी फैमिली को एक साथ कवर मिल जाता है एक ही पॉलिसी में और आप एक सम इंश्योर्ड को आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स 65 एंड अबव एज के हैं तो उनके लिए अलग से प्लान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाता है। और जिन लोगों के पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान है तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ कवर मिलता है। कुछ जगहों पे पेरेंट्स भी कवर होते हैं, अगर पेरेंट्स कवर नहीं है तो कोशिश करें कि आप अपनी कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी में पेरेंट्स को कवर कराएं, क्योंकि वहाँ पे सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस डे वन से कवर होती है। और लास्ट में दोस्तों मैं कहूँगा गोल्डन एडवाइस इस टॉपिक पे, तो आप ये मान के चलें कि आपके पास कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना ही चाहिए आपके और आपके परिवार के लिए। और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको आप हेल्थ इंश्योरेंस में ज़रूर ऐड करें, चाहे आप अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में रखें या चाहे उनके लिए अलग से एक सीनियर सिटीजनशिप प्लान भी ले सकते हैं। तीसरा, आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ये कैलकुलेट करें कि आपकी अर्निंग कितनी है, उसी बेस पे आप प्रीमियम कैलकुलेट करें, क्योंकि ये अमाउंट जो जाता है साल भर में वो वापस नहीं होता है, वो इकट्ठा नहीं होता है। हाँ, आपको नो क्लेम बोनस ज़रूर मिलता है अगर आपने कोई क्लेम उस समय नहीं लिया होता है तो, लेकिन हर साल आपको पे करना पड़ता है और ये प्रीमियम बढ़ता भी है एज के साथ साथ। आपकी जो अर्निंग है उसी के हिसाब से आप सम इंश्योर डिसाइड करें और कितना प्रीमियम आप पे कर सकते हैं एक साल में वो कैलकुलेशन ज़रूर कर लें। और ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी फैमिली में मेम्बर्स हैं एज ग्रुप के हिसाब से, कि आप उतना सम इंश्योर कम से कम लें कि अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो कम से कम जो पॉलिसी का सम इंश्योर है वो कम ना पड़ जाए। तो बहुत कम सम इंश्योर भी ना हो, और आपको ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों में सम इंश्योर लेने की ज़रूरत है, बट एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपको चलना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इसकी नीड क्या है और ये कितने तरह का होता है। आई एम वेरी श्योर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।